Super Sikh for always having me on their panel. मैं पिछले almost 3 साल से Super Sikh के साथ associated रह चुकी हूँ as their wellness partner, as their doctor on the board. जो मुझे जानते हैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे जानते हैं. जो नहीं जानते हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैं आई एम डॉक्टर पल्लवी आगा. आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट एंड अ रनर बाय पैशन. और मैं इतनी पैशनेट हूँ फिटनेस और रनिंग के बारे में कि मैंने आई हैव मूव्ड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस. मेरा अपना खुद का क्लिनिक है, अपना वेलनेस सेंटर है, माइंड एंड बॉडी वेलनेस. और वहाँ मैं ऑफकोर्स आई एम डीलिंग विद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विद लाइफ स्टाइल डिजीजेस. और मेरा जो मंत्र है वो है कि आप यू से नो टू मेडिसिन और यूज फूड एज मेडिसिन. आज मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मैंने अंडर द एजेस ऑफ सच अ गुड इवेंट सुपर सिख में कर हर मैदान फतेह मैं बहुत बिलीव करती हूँ. और आज का दिन मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी मैंने किया है. मेरे प्रोडक्ट्स उस टेबल पे डिस्प्लेड हैं और ये बहुत ही छोटा सा एक होम मेड प्रोडक्ट लॉन्च है स्पेसिफिकली फॉर रनर्स हेल्थ. क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद डे टू डे अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ एज अ रनर. एंड मैंने सोचा कि इनका एक छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव माई प्रोडक्ट्स अवेलेबल. जो लोग देखना चाहें वो प्लीज जाके देख सकते हैं. वेन नाउ इट कम्स टू मेरा जो टॉपिक है वो है इंजरी फ्री रनिंग. तो अब यहाँ ज़्यादातर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने रनर्स हैं, वो जितने भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, वो जानते हैं कि इंजरीज कितनी हमारे लिए मुसीबत वाला काम होती हैं. इंजरीज जितनों को भी हुई हैं दे ऑल नो वॉट हैविंग एन इंजरी मीन्स. वो दर्द जो आपको इंजरी के बाद होता है वो सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं होता है, वो मेंटल पेन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है. क्योंकि आप अपने स्पोर्ट्स और लोगों को देख रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, आपको एक अजीब सा मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी सेटल हो जाता है. तो मेरा टॉपिक जो है इंजरी फ्री रनिंग, उसमें मैं बहुत शॉर्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी. क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपको इंजरी फ्री रनिंग के लिए या कोई भी फिटनेस आपने लिया है, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके तरफ आपको एनकरेज करें. नंबर वन, प्रोटीन. प्रोटीन इज अ मस्ट इन एवरी डाइट. हर एक जने को जो भी है, कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग, उसको प्रोटीन मैंडेटरी है उसके डाइट में. 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन रनर्स को इससे और ज्यादा चाहिए. रनर्स के लिए मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ एक गुड अच्छा ब्रांड और वे प्रोटीन आइसोलेट अपने अपने डे टू डे डाइट में इंक्लूड करिए. डेफिनेटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अच्छा होता है बट नथिंग लाइक अ फास्ट एब्जॉर्बिंग वे प्रोटीन. जो लोग सिर्फ नेचुरल फूड से वे प्रोटीन लेना चाहते हैं उनके लिए मेरे जो ये सारे मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं दे आर ऑल हाई इन प्रोटीन, दे आर ऑल नेचुरल, दे आर ऑल ऑर्गेनिक. इंक्लूडिंग जो मैंने अपना आटा लॉन्च किया है वो भी हाई प्रोटीन ग्लूटेन फ्री आटा है. नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है रनर्स के लिए वो है ये रियलाइज करना कि उनको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फोकस नहीं करना है. डे टू डे रनिंग में अगर आप नॉर्मल अपने घर के खाने पे रनिंग करिए आपके लिए अच्छा है. एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा शुगरी ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है. जब आप अपने स्पेसिफिक स्पीड इंटरवल्स कर रहे हैं, टेम्पो रन्स कर रहे हैं, जिस दिन आप रेस कर रहे हैं उस दिन आप ज़रूर यूज़ करिए बट डू नॉट मेक इट अ ओवरऑल हैबिट. नंबर 3 आर योर गुड क्वालिटी प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, लाइक पनीर, लाइक कूटू, लाइक अमरंथ, लाइक किनोआ, ये लाइक फ्लैक्स सीड्स, लाइक चिया सीड्स, इनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करिए. होममेड प्रोटीन बार्स बनाइए ये सारी सारे सीड्स डाल के, उसमें वे प्रोटीन डाल के, कोकोनट ऑयल डाल के, घी डाल के आप अपने होममेड एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स बनाइए. नंबर 4, नॉर्मल गुड क्वालिटी फैट्स से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है. अंडा जो खा रहा है वो पूरा फुल एग खाना है.
आपको उसका येलो निकाल के सिर्फ व्हाइट खाने की जरूरत नहीं है, फुल एग खाइए। और अगेन जो हमारा ये नेचुरल घी है, नेचुरल कोकोनट ऑयल है, नेचुरल मस्टर्ड ऑयल है, ये सब यूज करिए। दिस इज इट्स एनी डे बेटर देन यू नो यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स। आई वुड नॉट सजेस्ट यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स टू एनीबडी। एनी डे मेक योर फूड इन नॉर्मल देसी घी। नंबर फाइव, कुछ सप्लीमेंट्स रनर्स के लिए इसेंशियल होते हैं, उसमें सबसे जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत लोगों के ब्रांड्स हैं, फास्ट एनअप है, यूनिवेद है, प्रो एथलेटिक्स है, वी हैव सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल। इलेक्ट्रोलाइट्स आर अ मस्ट बिकॉज हमको सोडियम पोटेशियम बहुत लॉस होता है। नंबर टू, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो लोग ज़्यादातर रनर्स ने उसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम हमें सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप पूछेंगे मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है, तो ऑफकोर्स ये जितने सीड्स हैं, जितने नट्स हैं, इनसे मैग्नीशियम आता है। और नंबर टू, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं जिनको जोड़ों में प्रॉब्लम है। बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं सजेशन आने के लिए कि हमें रन करते करते घुटने में दर्द हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको अपने नी की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। उसके अलावा आप कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कर्क्यूमिन इज नथिंग बट हल्दी। आप घर में भी रॉ हल्दी अपने दूध में डाल के, पानी में डाल के पी सकते हैं, और नहीं तो आप कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स या आप कंड्रोइटन सल्फेट या ग्लूकोजामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। कैल्शियम इज अ मस्ट, विटामिन डी इज अ मस्ट। ये कुछ चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक यू विल हैव एन इंजरी फ्री रनिंग। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर, हम लोग रनिंग कर रहे हैं अपनी हेल्थ बेटर करने के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर किसी को इंजरी है तो टेक अ स्टेप बैक, फर्स्ट रिकवर, डू फिजियोथेरेपी, ईट गुड फूड, ईट गुड क्वालिटी प्रोटीन, ईट गुड क्वालिटी फैट्स, एंड वंस यू रिकवर तभी वापस आप रनिंग में मूव करिए। ये फिटनेस चैलेंज में मुझको इतनी स्वीट तिजोरी की चाबी मिली है, तो मैं इस पे आप लोगों को सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हमारी हेल्थ की तिजोरी है। अगर आपने अपनी हेल्थ की तिजोरी को बहुत संभाल के नहीं रखा तो लेटर ऑन बहुत सारे इश्यूज फेस हो सकते हैं। एंड स्पेशली ये विमेन रनर्स के लिए है जो कि सत्येंद्र मुझे बिल्कुल नहीं सुन रही हैं, और ये स्पेशली विमेन रनर्स के लिए है दैट वी हैव टू फोकस ऑन आर विटामिन डी, ऑन आर कैल्शियम एंड ऑन आर प्रोटीन। और ये जो बास्केट तुम लेके जा रही हो तुम्हें मेरे साथ भी शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारे हर हाथ में एक पैकेट है, आई डोंट नो कितने तुमको प्राइजेस मिले हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई हैव माई प्रोडक्ट्स ऑन दैट टेबल, आई हैव माई कार्ड्स ऑन दैट टेबल। जिनको भी मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना हो वो प्लीज दे योर मोस्ट वेलकम टू कम कनेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच। Have a good run.